पाठ 11 बकरी और भेड़िया। बकरी ने भेड़िये से अपने चारों बच्चों की रक्षा कैसे की, आओ इस काल्पनिक लोक कथा को देखकर जानें। एक बकरी के चार बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ नहीं बचा है, अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे, उसने सोचा, एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। बच्चों की रक्षा कैसे करें? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, पालू और मालू, यह दरवाजा बिल्कुल न खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी यह दरवाजा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाजा ना खोलें जब तक आप हमसे ना बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो ये बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन भेड़िये के पेट में चूहे कूद रहे थे। बकरी जब जंगल चली गई, तो भेड़िये ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, अले दरवाजा खोलो, अले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िये को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। भेड़िये ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। शाम को जब बकरी पहुंची, तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर न आले आया, न बाले, न पालू, न मालू। जमीन पर उसे भेड़िये के पैरों के निशान दिखे। पहले तो वह खूब रोई, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़े के पास गई और बढ़े से बोली, मेरे सींगों को पैना कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को पैना करा रही हो? बढ़ई ने पूछा। बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पैना कर दोगे तो मैं भेड़िये को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। इसके बाद बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया।
अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़िये को ढूंढने लगी। उसने सोचा, कहाँ गया है भेड़िया? जल्दी उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िये का पेट बहुत मोटा हो गया था। आले बाले पालू मालू सब उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िये ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खाऊंगा। तू क्या यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी और भेड़िये के पेट में अपने सींग घुसा दिए। भेड़िये का पेट फट गया और आले बाले पालू और मालू पेट से बाहर निकल आए। बकरी खुशी से चारों बच्चों को लेकर घर लौट आई। तब से रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बता जाती कि वह कितनी बार दरवाजा खोलने के लिए कहेगी, और बच्चे भी तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक बकरी सुबह बताए अनुसार दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे बुद्धि बल से हराया जा सकता है।